गिर पड़ा। हरिया के अंदर से क्या एक आवाज उठी है कि पहले भोला जब भोला चिल्लाया था तो गांव वालों तक आवाज पहुंचने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने एक दूसरे से पूछा लेकिन किसी के पास उसका जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है, कहा चाहे जी आप हमसे मजाक मत कीजिए और समझाइए, कहा कि यह 50 किलो का व्यक्ति है तो खींच नहीं सकते। लेकिन दोस्तों ये कहानी आज सुनाने का उद्देश्य बोलना कितने तरह के लाइसेंस आए, ये बनाने के बाद भी लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, तो जिंदगी में ऐसे ही है। जैसे ही आप कोई काम शुरू करने जाओ कोई बताएगा कि आप ये नहीं कर सकते, हिम्मत दें कि नहीं आप ये कर सकते, रखना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर सकते हैं दूसरे के। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जे जे मौर्य आज आपके लिए एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ आया हूँ। मोटिवेशनल कहानी जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी तो है बहुत प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था हरिया और एक का नाम था भोला। हरिया की उम्र थी 15 साल और भोला की उम्र थी 10 साल। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों स्कूल साथ में जाते थे, साथ में आते थे, खाते पीते सोते साथ हमेशा रहते थे। एक दिन छुट्टी का दिन था और दोनों अपने खेतों में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक हरिया को ख्याल न रह पाया और एक वक्त कुएं में गिर पड़ा। हरिया जो कि 15 साल का था कुएं में गिर पड़ा और 10 साल का भोला घबरा गया। भोला के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, वह बहुत जोर जोर से गांव वालों की मदद के लिए चिल्लाया लेकिन आसपास कोई नहीं था इसलिए कोई आ नहीं पाया, और हरिया भी अंदर तड़प रहा था। तो भोला के पता नहीं भोला के अंदर से क्या एक आवाज़ उठी है और भोला ने वहीं पे पड़ा हुआ रस्सी जिसमें बाल्टी बंधी हुई थी कुएं के अंदर डाल दिया और उसको हरिया ने पकड़ लिया और भोला उसको खींचते खींचते उसको बाहर ले आया। दोनों बाहर निकल आए, हरिया बाहर निकल आया, दोनों गले मिलकर खूब रोए और लेकिन उसके पहले जब भोला चिल्लाया था तो गांव वालों तक आवाज़ पहुंच गई थी और सब लोग भागे भागे दौड़े चले आए। लोगों ने पूछा क्या हुआ दो, तो भोला ने पूरी कहानी सुनाई लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये 10 साल का भोला 15 साल के हरिया को कुएं से कैसे खींच सकता है, इसके बदन में इतनी ताकत तो है नहीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था लेकिन हरिया कह रहा था मैं गिरा हुआ हूँ, उसके भीगे हुए कपड़े उसके सबूत थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे को, कम से कम जिसकी उम्र 15 साल उम्र थी और जिसका वजन कम से कम 50 किलो था, उसे कैसे बाहर निकाल पाया होगा। लोगों ने एक दूसरे से पूछा लेकिन किसी के पास उसका जवाब नहीं था। तो इन लोगों ने कहा चलो हम पाटलिपुत्र चलते हैं और हमारे यहाँ के जो राजा के मंत्री हैं चाणक्य जी, उनसे पूछते हैं, उन्हीं से कुछ जवाब मिल पाएगा। तो लोग पाटलिपुत्र में चाणक्य के पास गए और चाणक्य ने उनकी कहानी सुनी और तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है चाणक्य जी। चाणक्य ने कहा बहुत संभव है, हरिया गिर गया था, भोला ने बाल्टी डाला, रस्सी से बंधा हुआ था, उसने रस्सी को पकड़ा, उसने खींच लिया। लोगों ने कहा चाणक्य जी आप हमसे मजाक मत कीजिए और समझाइए ऐसा कैसे हो सकता है। चाणक्य ने कहा बहुत आसान है। कहा कैसे, कहा जब हरिया कुएं में गिरा था और भोला उसको खींच रहा था तब वहां पे कोई यह बताने वाला नहीं था कि भोला तुम उसको खींच नहीं सकते हो, चूंकि किसी ने बताया नहीं था इसलिए उसने अपनी हिम्मत की और खींच ली। अगर वहाँ पे कोई बताने वाला होता कि ये 50 किलो का व्यक्ति है तुम खींच नहीं सकते, तुम खींचोगे तो गिर सकते हो, तुम्हें नुकसान हो सकता है, तो वह नहीं कर सकता। चूंकि वहाँ कोई बताने वाला नहीं था इसलिए भोला ने हरिया को खींच लिया। लोगों को उसकी बात पर विश्वास हुआ। लेकिन दोस्तों ये कहानी आज सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम भी जब जीवन में कुछ करने चलते हैं ना तो कोई ना कोई हमें आके बताने लगता है कि आप ये क्यों नहीं कर सकते हो। आप जब भी कोई आगे कदम बढ़ाओगे जिंदगी में, देखो अगर आप चाहो कि आप कोई
खाने पीने का धंधा खोल दो तो कोई आएगा तो आपको यह बताने लगेगा कि कितना मुश्किल है खाने पीने का धंधा खोलना, कितने तरह के लाइसेंस जुटाने पड़ते हैं, कितने तरह के आदमियों को लाना पड़ता है, और अच्छा कुक ढूंढना पड़ता है, अच्छा खाना बनाना पड़ता है, ये बनाने के बाद भी लोगों को पसंद आए ना पसंद आए यह सुनकर तो आप पहले ही डर जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि वह आदमी जिसने अपने घर में भी खाना नहीं बनाया है वो आपको बता रहा है कि होटल कैसे नहीं चलेगा? तो ज़िंदगी में ऐसे ही है, जैसे ही आप कोई काम शुरू करने जाओगे लोग आएंगे और आपको ये बताएंगे कि आप यह काम क्यों नहीं कर सकते, और आप उनकी बातों पर विश्वास करके उस काम से पीछे हट जाओगे। तो दोस्तों जब भी आप काम करो तो किसी और की सलाह मत लो, क्योंकि जैसे ही आप सुनोगे कि आप ये नहीं कर सकते तो आपका दिमाग उसी तरफ चलने लगेगा। या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप लोगों की सुनो लेकिन करो अपने मन की। तो यही इस कहानी का सार है कि जब भी आपको कोई बताएगा कि आप ये नहीं कर सकते तब आपकी ताकत कम हो जाती है, और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको हिम्मत दें कि नहीं आप ये कर सकते हो। तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपको कहें कि आप ये कर सकते हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको हमेशा कहें कि आप ये नहीं कर सकते हो। तो आज की कहानी का यही सार है कि आपको अपने अंदर के विश्वास पे अपने भरोसा रखना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर सकते हैं, दूसरे के कहने पे नहीं जाना है। धन्यवाद। नमस्कार।